नमस्कार दोस्तों, योर के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि माइक सिटी क्यों मारता है माइक्रोफोन, और आप कैसे आपकी माइक्रोफोन सिटी नहीं मारेगा लाइव प्रोग्राम पे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बड़ा छोट सारे चीज़ डिटेल में बताया गया है। तो आज ये सारा चीज़ को बताने के लिए हमारे साथ है हमारे टेक्निकल टीम से डीजे शक्ति यूट्यूब चैनल जिनका है, तो दिलीप परमार जी। दिलीप जी, और चलिए उनसे जानते हैं कि कैसे क्या करेंगे ताकि आपको सीट नहीं आएगा। दिलीप परमार जी के बारे में दो शब्द ही बोल पाऊंगा, मेरे छोटे भाई जैसा है और बहुत ही मेहनत करने वाले बंदे हैं। तो और उनके वीडियो भी आप देखिए डीजे शक्ति यूट्यूब चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, और पूरा वीडियो देखिए तब जाके आप उनके टैलेंट को जान पाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, मैं ऐसे ही किसी को रिकमेंड आपके लिए नहीं करता, बिल्कुल आप देख लीजिए पूरा वीडियो, फिर आप बताइए कि बंदे में दम है कि नहीं है। बिल्कुल, मैं तो मानता हूं बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप परमार और आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि ज्यादातर हमारे साउंड वाले भाई की यही कंप्लेन होती है कि हमारे स्पीकर सीटी क्यों मारते हैं, सीटी क्यों आती है, तो ये फीडबैक होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, फिर इसके जो है उपाय क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो एकदम जो है एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि आखिर ये फीडबैक होता क्या है, यानी कि सीटी क्या होती है और कैसे उत्पन्न होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारी जो पीए सिस्टम होती है उसमें जो है माइक्रोफोन्स होते हैं, मिक्सर होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं और स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा माइक्रोफोन हो गया, ये हमारा एम्पलीफायर हो गया और ये हमारा स्पीकर हो गया, ठीक है। तो ये जो है एम्पलीफायर है और ये माइक्रोफोन है, और यहां पर जो है माइक्रोफोन की ग्रिल वाली साइड है, ठीक है, मतलब माइक्रोफोन की फ्रंट साइड जो ग्रिल वाली, और ये हमारा स्पीकर का फेस हो गया, ठीक है। तो अभी ये माइक्रोफोन ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ये दोनों आमने सामने हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये माइक्रोफोन में मैं जैसे ही बोलूंगा कुछ हेलो, तो यहां से मैंने हेलो बोला, एम्पलीफायर में आवाज गया, एम्पलीफायर के थ्रू स्पीकर से बाहर निकला, माइक्रोफोन सामने है, फिर से यहां से आवाज गया माइक्रोफोन में, फिर से एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर में से स्पीकर में, स्पीकर में से बाहर निकला, फिर से माइक्रोफोन में, मतलब ये एक पूरा लूप बन गया, ठीक है, ये एक राउंड बन गया। तो आसान भाषा में आप समझ सकते हो कि हमारा ही आवाज जो है रिटर्न जो है होता जा रहा है इसमें। तो ये जो है एकदम स्पीड से होता है, तो ये जो है एक अपने आप में मतलब अपनी एक फ्रीक्वेंसी बना लेता है और उस फ्रीक्वेंसी से एक जो है रिंगिंग टोन जो है उत्पन्न होता है जिसे हम सीटी कहते हैं, ठीक है, विसल, फीडबैक, सीटी, जो भी आप बोल लो। तो इसी तरह से जो है सीटी उत्पन्न होती है और फीडबैक आता है, ठीक है, मतलब सीटी आती है। तो चलिए इस वीडियो में जो है सारी जानकारी देने वाला हूं, मतलब जितना भी मुझे पता है, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है वो सारी जो है आपको डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इंडोर प्रोग्राम की, मतलब जहां पर हॉल हो गया, ठीक है, एक हॉल है और वहां पर हमने जो है मॉनिटर वगैरह लगा कर रखा है, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है। अभी हमने जैसे ही मॉनिटर की आवाज खोल दी तो कहीं ना कहीं से आवाज टकरा के जो है माइक्रोफोन के पास तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो वहां पर जो है फीडबैक आने की समस्या ज्यादातर रहती है हॉल वगैरह में। तो उस टाइम हमें क्या करना है, जो मॉनिटर लगाए है उसका वॉल्यूम हमें कंट्रोल में रखना है, उसका वॉल्यूम डाउन रखना है, ठीक है। माइक्रोफोन वगैरह का गेन स्ट्रक्चर हमें जो है मेंटेन करना है, कंट्रोल में रखना है, तो वहां पर जो है फीडबैक की समस्या कम हो जाएगी। और मेरे हिसाब से जो है आपको हॉल वगैरह में जो है छोटे मॉनिटर यूज करने चाहिए, मतलब 100 वोट के, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है 200 वोट के मॉनिटर यूज कर सकते हो, क्योंकि हॉल में जो है ज्यादा आवाज की जरूरत नहीं होती, वहां पर जो है आवाज कहीं ना कहीं से टकरा के जो है वापस हमें मिल ही जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं आउटडोर प्रोग्राम की, मतलब कहीं पर बाहर प्रोग्राम है और एक छोटी जगह है, ठीक है, मान लीजिए एक शहरी हो गई, गली हो गई छोटी सी, और वहां पर जो है छोटा सा स्टेज है। फ्रेंड्स, मान लीजिए छोटा सा स्टेज है, कई बार तो स्टेज भी नहीं होता, सब लोग जो है नीचे बैठे होते हैं,
तो अभी वहां पर छोटी सी जगह है, तो मान लीजिए यहाँ पर सिंगर बैठ गया, यहाँ पर तबला वाला बैठ गया, यहाँ पर बेंजो वाला बैठ गया, तो सारे माइक्रोफोन जो है एकदम नजदीक नजदीक हो गए, तो यहाँ पर भी जो है एक फीडबैक की समस्या रहती है, ठीक है, सीटी की समस्या रहती है। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, मॉनिटर का वॉल्यूम जो है हमें कंट्रोल में रखना है, डाउन रखना है, ठीक है, मतलब जितना चलता है उससे जो है डाउन रखना है, और उसके अलावा जो है आपको गेन स्ट्रक्चर भी जो है मेंटेन रखना है, ताकि जो है सीटी की समस्या कम हो जाए। तो ये सब आपको जो है करना है, थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग में ध्यान देना है, तो वहां पर जो है फीडबैक की समस्या कम हो जाएगी। और उसके अलावा फ्रेंड्स, जो हमारा माइक्रोफोन होता है उसे कहीं सारे लोग जो है मतलब गलत तरीके से पकड़ लेते हैं, ठीक है, ठीके? अभी माइक्रोफोन जो है वो उसके जो है ग्रिल पर जो है हाथ रख देते हैं, अभी सिंगर को ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अच्छे लगने के चक्कर में यहाँ पर हमारी वाट लग जाती है एक तरह से। तो उसको बोलिए माइक्रोफोन को जो है बीच में पकड़े, ठीक है, एकदम नीचे भी ना पकड़े, एकदम जो है ग्रिल के ऊपर भी ना पकड़े, क्योंकि अगर जो उसने नीचे पकड़ा तो वहां पर हमारा केबल लगा होगा, तो केबल जो है हिलेगा तो आवाज जो है कटने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्रिल पर हाथ रखेगा तो जो है फीडबैक की समस्या जो है उत्पन्न होगी और आवाज भी जो है सही से नहीं आएगी। तो माइक्रोफोन को जो है बीच में पकड़ने का सिंगर को आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है माइक्रोफोन को मॉनिटर से दूर रखिए, मतलब माइक्रोफोन जो होता है सिंगर का उससे जो है आपको 10 से 15 फीट तक जो है दूर रखना है, ठीक है। अगर जो है छोटी जगह है वहां पर तो आप मॉनिटर को नजदीक भी रख सकते हो, लेकिन नजदीक अगर आप जो है मॉनिटर रखते हो तो उसका वॉल्यूम आपको जो है डाउन रखना है, आपको जो है सारा कंट्रोल रखना है, ठीक है, वॉल्यूम पर, तो वहां पर फीडबैक की समस्या कम होगी। अगर आप जो है मॉनिटर को दूर रखते हो तो उसके वॉल्यूम आप जो है थोड़े बहुत खोल सकते हो। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है ऑडियंस में जो भी सिस्टम लगाते हैं, ठीक है, सेटअप लगाते हैं, मान लीजिए ये हमारा स्टेज हो गया, तो यहाँ पर जो है ऑडियंस के साइड आपने जो है सेटअप लगाया, तो ये हमारा जो है स्टेज है, ठीक है, पूरा ये हमारा स्टेज है, तो स्टेज के आपको एकदम यहाँ से साइड से ही जो है सेटअप नहीं लगा देना है, ठीक है। आपको जो है ये स्टेज खत्म हुआ उसके साइड से आप जो है आगे की ओर से लगा सकते हो दोनों साइड सेटअप, क्योंकि अगर आपने यहाँ से लगाया होगा, ठीक है, यहाँ पर स्टेज है और यहाँ पर एकदम साइड से ही लगा दिया ऑडियंस के साइड, तो उसमें से भी जो है फीडबैक की प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये आपको खास ध्यान देना है, जहां पर स्टेज खत्म होता है तो वहां से ही जो है सारा सेटअप ऑडियंस के साइड लगाना है। फिर जो है मान लीजिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां पर प्रोग्राम में क्या होता है, थोड़ी देर जो है कहीं ना कहीं होल्ड आता है, तो वहां पर अभी सारे माइक्रोफोन हमारे लगे हुए हैं और सिर्फ एक ही माइक्रोफोन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सिंगर का, तो बाकी माइक्रोफोन जो है ऐसे ही चालू है अगर, तो भी जो है फीडबैक की समस्या हो सकती है। तो आपको वो सारे माइक्रोफोन की स्विच को जो है ऑफ कर देना है, या फिर जो है मिक्सर में से जो है सारे माइक्रोफोन को म्यूट कर देना है, ठीक है, जो भी माइक्रोफोन का उपयोग नहीं है उसको आप जो है म्यूट कर दीजिए, तो भी जो है फीडबैक की समस्या कम हो जाएगी। और इसके अलावा मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो मॉनिटर लगाया, ठीक है, पीछे की ओर, और सिंगर जो ऐसे थोड़ा मतलब क्रॉस में बैठ गया और माइक्रोफोन जो है यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ पर लगाया आप मान लीजिए, तो ये जो है इसका फेस जो है सामने सामने हो जाएगा, ठीक है, तो भी जो है फीडबैक आ सकता है। तो ऐसे समय में आपको जो है माइक्रोफोन का जो एंगल है उसको जो है थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो इससे भी जो है फीडबैक की समस्या कम हो सकती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर मैंने मॉनिटर्स लगाए है और माइक्रोफोन यहाँ पर इस साइड है, ठीक है, माइक्रोफोन सीधा है और मॉनिटर हमने यहां पर लगाए हैं, तो आपको क्या करना है, अगर फीडबैक आता है तो मॉनिटर का जो फेस है उसका एंगल जो है थोड़ा बहुत आपको इस तरह से चेंज करना है, ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है फीडबैक की समस्या को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा खास ध्यान आपको यहां रखना है कि माइक्रोफोन जो है वो पोलर पैटर्न देख के खरीदना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफी सारे लोग गलती कर जाते हैं, मैंने देखा है, तो माइक्रोफोन में जो है अलग अलग पोलर पैटर्न आती है, जैसे कार्डियोइड हो गया, फिर जो है सुपर कार्डियोइड हो गया, हाइपर कार्डियोइड हो गया, तो इस तरह से अलग अलग जो है पोलर पैटर्न आती है माइक्रोफोन में। तो अगर आपको जो है इसका एक पर्टिकुलर डीपली मतलब एक जो है डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम जो है इसका एक अलग से बनाएंगे माइक्रोफोन के बारे में। तो फिलहाल हम शॉर्ट में जाने तो जो कार्डियोइड पोलर पैटर्न के माइक्रोफोन आते हैं वो माइक्रोफोन जो है एक दिशा से जो है हमारी आवाज को कैचअप करते हैं, ठीक है, तो डेमो जो है आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, मान लीजिए यहां पर मैं बोल रहा हूं तो ये जो है माइक्रोफोनो सिर्फ मेरी ही आवाज यहां से कैचअप करेगा, मतलब जो पीछे की या फिर साइड की जो है वो एकदम ना के बराबर जो है आवाज को कैचअप करता है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन हमने यहां पर रखा तो मॉनिटर जो है आगे की ओर रखना होता है, ठीक है,
यहाँ पर जो हमने ये कार्डियोइड पोलर पैटर्न वाला माइक्रोफोन रखा है तो मॉनिटर को यहाँ पर आगे रखना है, ठीक है, तो जो है आपको फीडबैक की समस्या नहीं आएगी। तो ज्यादातर जो है कार्डियोइड वाले माइक्रोफोन जो है यूज होते हैं और सुपर कार्डियोइड पोलर पैटर्न के माइक्रोफोन यूज होते हैं। तो जैसे श्योर का SM58 हो गया, तो ये एक जो है कार्डियोइड माइक्रोफोन है। और सुपर कार्डियोइड माइक्रोफोन में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारा सुपर कार्डियोइड माइक्रोफोन है तो वो एक दिशा से तो आवाज कैचअप करेगा ही, ठीक है, लेकिन उसकी जो ओपोजिट साइड होती है वहां से भी जो है थोड़ा बहुत आवाज वो कैचअप करता है। तो डेमो आप डिस्प्ले पर देख ही रहे होंगे। तो इसमें किस तरह से मॉनिटर रखने है, तो मान लीजिए यहां पर मैंने एक सुपर कार्डियोइड माइक्रोफोन रखा है तो दोनों साइड से आपको मॉनिटर रखने है, ठीक है। इसमें ये माइक्रोफोन में आप जो है दोनों साइड से एक एक मॉनिटर रख सकते हो और बीच में माइक्रोफोन, तो आपको जो है यहां पर फीडबैक की समस्या नहीं आएगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो है कहीं सिंगर माइक्रोफोन को दूर रखते हैं, ठीक है, इतना जो है दूर रखते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर जो है गेन को ज्यादा खोलना पड़ता है, वॉल्यूम को ज्यादा खोलना पड़ता है और उसकी वजह से भी जो है फीडबैक की सीटी की समस्या रहती है। तो आप क्या करिए, वहां पर जाइए और माइक्रोफोन को जो है करीब कर दीजिए, ठीक है। यहां पर एकदम नजदीक भी नहीं रखना है, एकदम दूर भी नहीं रखना है, आपको जो है इतना रखना है, ठीक है, इतना रखिए, सही है। तो ये इससे क्या होगा कि आपको जो है गेन स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहेगा, मतलब जो है कम खोलना पड़ेगा, तो इससे भी जो है फीडबैक की सीटी की समस्या जो है कम हो जाएगी। और उसके अलावा मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है और स्टेज पर जो है सिंगर गा रहा है, दो मॉनिटर यहां पर लगे हैं, दो मॉनिटर पीछे लगे हैं, तो जैसे ही सिंगर गाता गाता इस साइड जाता है तो जो है विसल आ जाती है, सीटी आ जाती है, ठीक है, फीडबैक जो भी बोल लो। तो हमें क्या करना है, उस जो मॉनिटर है वो जो मॉनिटर है उसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा डाउन कर देना है ताकि जो है फीडबैक की सीटी की समस्या जो है वो दूर हो जाए। तो आपको ऐसा सेटअप जो है बनाना है कि आपको जो है बहुत ही फायदा हो। मान लीजिए ये दो मॉनिटर है तो उसका एक पावर एम्पलीफायर हो गया, तो एक चैनल में एक मॉनिटर, दूसरे चैनल में दूसरा मॉनिटर, तो अगर आपके पास ऐसा सेटअप है तो आपको जो है काफी फायदा होगा क्योंकि आप एक एक मॉनिटर का वॉल्यूम अपने हाथ से जो है कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सेटअप है कि दो मॉनिटर लगाए हैं और उसका एक एम्पलीफायर है तो भी जो है फायदा होगा, तो आप जो है वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, ठीक है, दो मॉनिटर का वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, पीछे के मॉनिटर का भी जो है आप डाउन या अप कर सकते हैं, तो ये भी जो है आपको फायदा है। लेकिन आपको ऐसा सेटअप नहीं बनाना कि मतलब चारों मॉनिटर जो है एक ही एम्पलीफायर में लगा दिया, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर आप जो है विसल आएगी तो वॉल्यूम डाउन करोगे तो सारे मॉनिटर के वॉल्यूम जो है एक साथ डाउन हो जाएंगे, फिर जो है सिंगर को मजा नहीं आएगा गाने में, इंस्ट्रूमेंट वाले को बजाने में मजा नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है माइक्रोफोन का गेन को जो है मेंटेन रखना है, मतलब कंट्रोल में रखना है, 50-60% जो है ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं खोलना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि सबसे पहले आप वॉल्यूम खोलिए 0 dB तक, उसके बाद जितना चाहिए वहां से उतना ही गेन खोलिए, ठीक है। अगर आप जो है 30% गेन खोल लेते हो और आवाज आ जाता है तो उससे ज्यादा खोलने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी आप जो है फीडबैक की समस्या को दूर कर सकते हो। और उसके अलावा फ्रेंड्स आप जो है फीडबैक को कम करने के लिए इक्विलाइजर का यूज कर सकते हो। मतलब इक्विलाइजर क्या करता है, वो जो है बड़े, मतलब उसमें जो है बहुत सारे जो है नोब होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के, तो मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी में जो है फीडबैक आता है, सीटी आती है, तो वो फ्रीक्वेंसी को आपको जो है इक्विलाइजर में से डाउन कर देना है। तो मेरे हिसाब से मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है तो वो उस हिसाब से जो है मैं बताऊं तो सीटी जो है वो बेस वाले पार्ट में जो है कम आती है, मिड वाले पार्ट में और ज्यादा से ज्यादा HF वाले पार्ट में आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में जो है आती है सीटी, वो आपको सबसे पहले जानना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बताऊं तो ज्यादातर जो है 2 kHz से जो ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, 2 kHz हो गया, फिर 2.5 हो गया, फिर उस जो है 1.5 हो गया, तो उसमें जो है ज्यादातर जो है सीटी की प्रॉब्लम रहती है। तो आपको क्या करना है, इक्विलाइजर में जो है 2 kHz हो गया, फिर जो है 2.5 हो गया, वो फ्रीक्वेंसी को जो है थोड़ा थोड़ा डाउन कर देना है। तो इस तरह से भी आप जो है सीटी की समस्या को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है एक अच्छे ऑपरेटर हो तो आपको जो है इक्विलाइजर की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो है कभी भी जो है लाइव प्रोग्राम में इक्विलाइजर नहीं लगाता, क्योंकि आप जो है अगर दिल से ऑपरेटिंग करते हो, बिना डरे ऑपरेटिंग करते हो, तो आपको जो है कोई इक्विलाइजर की जरूरत नहीं है। मेन आपको बात यह ध्यान में रखनी है कि जो हमारा माइक्रोफोन है वो स्पीकर के आमने सामने
ना जाए, ठीक है, क्योंकि अगर माइक्रोफोन स्पीकर के सामने कहीं पर भी जाता है तो फीडबैक की समस्या रहेगी ही रहेगी। अगर आप ये प्रॉब्लम ही सोल्व कर दो, मतलब मॉनिटर का प्लेसमेंट ही इस तरह से करो कि माइक्रोफोन के सामने कहीं पर भी स्पीकर ना आए, ठीक है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहां पर ही सोल्व हो जाएगी। फिर आधी प्रॉब्लम आप जो है अपने ऑपरेटिंग से भी कर सकते हो, तो इक्विलाइजर लगाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इक्विलाइजर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्वालिटी भी जो है अच्छी आएगी और आप जो फीडबैक की समस्या को भी दूर कर सकते हो। और उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको फीडबैक चाहिए ही नहीं, सीटी चाहिए ही नहीं, तो इन ईयर मॉनिटरिंग का यूज करिए, मतलब जो हेडफोन जो है सबको दे दीजिए, तबले वाले को, बेंजो वाले को, सिंगर को। लेकिन भैया हमारे यहाँ तो सब कुछ, सब जो है ताबड़तोड़ आवाज जो है सुनने वाले है, तो उसको तो जो है हेडफोन में ही जो है आवाज कम लगेगी, तो मेरे हिसाब से ये आइडिया तो गलत है। तो हेडफोन तो जो है मेरे हिसाब से कुछ काम के हमारे लिए नहीं है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो है ज्यादा गेन नहीं खोल देना है, ठीक है, मतलब मान लीजिए जो है तबला वाला कहता है कि मुझे आवाज दो आवाज दो, तो आपको जो है अंधाधुन होके जो है उसको वॉल्यूम देना ही नहीं है, ठीक है। आप जो है अपने हिसाब से ऑपरेटिंग करिए, आपको जितना आता है अपने हिसाब से ऑपरेटिंग करिए, बिना डरिए जो है ऑपरेटिंग करिए, ठीक है। आपको जो है कोई कहे और आप जो ऑपरेटिंग करो ऐसा नहीं करना है, जितना बजता है जितना चलता है वहां तक आप जो है अच्छा ऑपरेटिंग करिए अपने आप से। आप जैसा चाहो आपका साउंड है, ठीक है, आप जो है अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करिए और आप जो है अपने हिसाब से ऑपरेटिंग करिए, मतलब फीडबैक आए ही क्यों, ठीक है, ऐसा ऑपरेटिंग करके दिखाइए, जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए और डरिए मत, ठीक है। सबसे पहली बात जो होती है वो होता है डर, तो हमारे अंदर जो डर हो जाता है कि भाई क्या होगा क्या होगा, विसल आएगी आएगी, आपको डरना नहीं है, ठीक है। साउंड जहां होगा वहां पर फीडबैक की समस्या रहती है, विसल की, सीटी की समस्या रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है दो मोबाइल को कॉल करके, मतलब ये एक ये मोबाइल हो गया एक ये मोबाइल हो गया, दोनों मोबाइल में आपने जो है कॉल किया और दोनों मोबाइल को आप जो है अगर स्पीकर फोन करके दोनों को पास में रखोगे तो उसमें भी जो है सीटी आएगी, ठीक है। आप जो है ट्राई करिएगा एक बार, तो जहां पर स्पीकर और माइक होते हैं वहां पर सीटी आती है, तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अच्छी तरह से जो है ऑपरेटिंग में ध्यान देना है, ज्यादा जो है वॉल्यूम नहीं खोल देना है किसी का, सबका जो है अच्छी तरह से वॉल्यूम खोले, एकदम जो है बैलेंस में रहे सब कुछ, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सिंगर वगैरह, तो कुछ नहीं होगा, आप जो है अच्छी तरह से जो है फीडबैक को सिटी को कम कर सकते हो। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो है घर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अगर आप जो है घर पर फ्री हो तो यार मिक्सर लगाओ, एम्पलीफायर लगाओ, माइक्रोफोन लो हाथ में, मॉनिटर लगाओ, आपको जो है देखना है कौन सी फ्रीक्वेंसी पर जो है सीटी आती है, कैसे सीटी आती है, ठीक है, सब कुछ आपको जो है सीखना है, क्योंकि जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा जो है सीखोगे, सीखते जाओगे, उतना जो है आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो घर पर अगर आप हो तो प्रैक्टिस करिए डेली जो है, एक आवर हो गया, ठीक है, आधा घंटा एक घंटा आप जितना भी फ्री हो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको ज्यादा नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, घुमा फिरा के बात तो यही आती है कि हमारा स्पीकर और माइक्रोफोन जो है कहीं पर भी आमने सामने नहीं आना चाहिए, तो आपको यही ध्यान देना है। आप जो भी मॉनिटर का प्लेसमेंट करो वो इस तरह से करो कि माइक्रोफोन के सामने ना आए, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जो है कार्डियोइड पोलर पैटर्न हो गई, सुपर कार्डियोइड पोलर पैटर्न हो गई, इस तरह के माइक्रोफोन का जो है ज्यादातर इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो कार्डियोइड और सुपर कार्डियोइड जो है ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जो एक दिशा से हमारे आवाज को कैचअप करते हैं। तो इसके अलावा जो है आप मॉनिटर का प्लेसमेंट ठीक करिए और माइक्रोफोन जो है सही पैटर्न वाला चूज कीजिए, तो आपकी जो है फीडबैक की, सीटी की समस्या एकदम जो है कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप रखना अपना ख्याल, टाटा बाय बाय, थैंक यू। तो दोस्तों, कैसे लगा है वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल आप अभी जाइए डीजे शक्ति चैनल यूट्यूब चैनल को, हमारा को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, कर भी लीजिएगा, ऐसे नए नए वीडियो लाए हम लेके आएंगे, और आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और इससे रिलेटेड हमारा भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे देता हूँ, हमारा वीडियो भी आप एक बार देख लीजिए। और इनका वीडियो तो आपने देख ही लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे मेन चीज़ है डीजे शक्ति चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और उनको आगे बढ़ाने में कुछ मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।